अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद द सेकंड सेशन ऑफ द डे और आज हमारे साथ हैं मिस नौरीन गफ्फार। फर्स्ट ऑफ ऑल नौरीन इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। नौरीन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। और नौरीन इज़ अ वेरी यू नो जेन्युइन पर्सन और इस बंदी की नेटवर्किंग स्किल्स का मैं फ़ैन हूँ। आज का टॉपिक भी हमारा नेटवर्किंग कोलैबोरेशन फॉर एंटरप्रेनर्स है। शी इज़ अ सीजन एंटरप्रेनर, अपना रेस्टोरेंट भी चला रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वुमेन एंटरप्रेनर्स के साथ भी बहुत काम कर रही हैं, रावलपिंडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ भी काम कर रही हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो नौरीन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम एंड कमिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज ऑन नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन फॉर एंटरप्रेनर्स विद आवर पार्टिसिपेंट्स। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच सच काइंड वर्ड्स। तो ऑलवेज अ प्लेजर। अहमद आल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड और हम थ्रू नेटवर्क ही मिले हैं ना। या नेटवर्क, सो नेटवर्क हर साल नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन मेरा बहुत ज़बरदस्त फेवरेट टॉपिक है सिंस 2019 लास्ट ईयर से, क्योंकि एवरी ईयर जो है ना एक रेजोल्यूशन बनाती हूँ मैं एंड दैट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं हर खातून जिसके साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड हर यूथ जो भी बिजनेस पर्सन अटैच है उन सबको मैं कहती हूँ कि रेजोल्यूशन ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि उस साल हमने क्या अचीव करना है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो 2019 के अंदर मेरी रेजोल्यूशन था कि मैंने सिर्फ अपना नेटवर्क को जो है ना मज़ीद इंक्रीज करना है। सो 2019 में यू नेम इट एंड आई हैव अ नेटवर्क, उसके अंदर डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे हर नेटवर्क जो जितने लोगों से आप मिलते हैं उतने ज़्यादा माइंडसेट्स आपको पता चलते हैं, आपको पता चलता है कितने चैलेंजिंग लोग मार्केट में मौजूद हैं जिनके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है और उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि नौकरी करना ज़्यादा आसान है या बिजनेस करना ज़्यादा, कुछ डिफरेंट माइंडसेट्स है ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं दे प्रेफर टू डू एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, एम्प्लॉय होना चाहते हैं किसी ना किसी का, बिजनेस की तरफ लोगों का इतना रुझान नहीं है बिकॉज इट कैरीज लॉट ऑफ रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप किसी भी इदारे के एम्प्लॉय होते हैं तो टिल द टाइम यू आर ऑन द जॉब तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं, आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं और आप उनके कस्टमर्स को सेटिस्फाई आपको करने के लिए हर चीज़, तो कहते हैं ना नौकरी की तो नखरा की, तो वो बहुत ज़्यादा ये स्लोगन हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर भी व्हेन यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस तो जब तक आप अपने आप को उस बिजनेस के अंदर एज एन एम्प्लॉय अपना ट्रीट करेंगे अपने आप को, तो आप बेहतर तरीके से काम करेंगे। जिस दिन आप सेट बन के और सीट पे बैठ के तो आपके अंदर वो ग्रोथ का जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाता है जो मैंने विटनेस किया है। सो नेटवर्क देखना चाहिए कि हम किसके साथ कर रहे हैं, बिकॉज जैसा बिजनेस आपका है उसी एरिया के अंदर आपका नेटवर्क बने तो ज़्यादा बेहतर है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। देन यू ट्राई एंड यू नो जॉइन डिफरेंट एवेन्यूज जो कि आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जितनी भी तरह की हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो वो सारी इंटीग्रेशन के अंदर आप, क्योंकि मैं तो सारे स्टूडेंट्स को जितने भी लोग मेरे साथ अटैच हैं उन सबको मैं यही कहती हूँ कि मैंने जो कुछ पढ़ा है ना वो सब कुछ मैं अप्लाई करती हूँ आज दिन तक। टू दिस डेट ऑल्सो आई रीड माई बुक्स जो कि मैंने बीबीए एमबीए में अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है, बिकॉज यू नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स एट टाइम्स, क्योंकि आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है। और लिखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ही है लेकिन लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ने के बाद एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड देन यू गॉट टू राइट कि भाई ये वाला ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने के लिए ये, जब आप लिख लेते हैं ना चीज़ें तो ये आपको हेल्प करता है। बेशक डिले आ जाएगा एक दो महीने का या मे बी थोड़ा ज़्यादा टाइम, बट यू विल अचीव ऑन योर टारगेट्स, दिस इज़ वॉट आई हैव विटनेस और अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 2019 में नेटवर्क बनाया हर लेवल पे, और चूंकि एक CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, कम्युनिटी सर्विस कह लें, जो भी आप कह लें, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम, मतलब हर किसी का डिफरेंट वर्जन है लेकिन काम सबका एक ही है। तो मेरा जो कंपनी का CSR है दैट इज टू हेल्प पीपल स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, तो उस सिलसिले में 2020 में मेरा जो रेजोल्यूशन था या है अभी तक, दैट वाज क्रिएटिंग साइनर्जीज एंड कोलैबोरेशंस। तो मुझे मालूम नहीं था कि ये साइनर्जीज एंड कोलैबोरेशन इतना ज़बरदस्त
रेजोल्यूशन मैंने इस साल का बनाया और कोविड ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से कर दी, बिकॉज कोविड के अंदर यू नो वी हैड नो चॉइस. अगर हमने डिलीवरी करनी है तो हमने फूड बांडा के साथ कोलैबोरेट करना है टू गेन ऑन टू देयर नेटवर्क. देन देयर इज अनदर चीते है, फिर ईट पाकिस्तान है, ईट पीके आ गया, फिर देयर इज अनदर एप्लीकेशन अ फ्रेंड ऑफ माइन इज मेड जित बाबा. तो दैट मीन्स के ये चार लोगों का जो नेटवर्क है वो मेरा नेटवर्क हो गया, क्योंकि अगर उनके नेटवर्क में किसी को कुछ भी चाहिए तो वो हमारे लिए भी इक्वली मार्केटिंग का काम करेगा. सो ये आई ट्राई टू गिव रियल टाइम एग्जांपल्स और आई कीप ट्राई एंड कीप थिंग्स बायलिंगुअल, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में ही लेक्चर पूरा करती थी तो सारे कहते हैं कि भाई आप ऐसी लैंग्वेज बोलें जिसमें यू नो मासेस कैन अंडरस्टैंड, कि ये थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज बैरियर का इशू है. बिल्कुल, तो बिल्कुल. कोशिश मेरी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मादरी जबान को इस्तेमाल करूं, क्योंकि जब से मैं कम्युनिटी सर्विस में आई हूं, जैसे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आई एम द वाइस चेयरपर्सन फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर स्टैंडिंग कमेटी, और फिर आई एम वर्किंग विद गेयर GEAR जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ रिलायंस एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंजाब. उसमें हम पावर्टी एलिवेशन के ऊपर काम करते हैं और हम कहते हैं कि इज्जत के साथ अगर कोई सफ़ेद पोश लोग जितने भी हैं ना वो मार्केट में इतने ज़्यादा व्हाट डू यू कॉल आसानी से यू नो एक्सपोजर भी नहीं है और बहुत सारे और काम भी करना चाहते हैं, तो उन लोगों तक पहुंचना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है. तो अल्लाह का शुक्र है नेटवर्क की वजह से उन तक पहुँच जाते हैं हम, तो वी फंड देम. तो कोलैबोरेशन जब हम करते हैं तो हम, अब देखो मेरा हराइजन बढ़ गया ना, कि मुझे वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम नहीं करना पड़ा कि मैंने NGO रजिस्टर करानी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करानी है, देन ऑडिट कराना है. आई कैन, जो ग्रास रूट लेवल पर का काम है वो उन्होंने किया हुआ है. एंड देन हमारा पर्पस, कॉमन पर्पस है कि वी वॉन्ट टू वर्क ऑन द पावर्टी एलिवेशन, जिसमें हम लोग बिजनेस एक जरिया माश थे, मतलब कि इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करें उनको, तो दैट्स द होल आईडिया. सो बेसिकली नेटवर्क का फायदा, कोलैबोरेशन एंड नेटवर्क का फायदा ये हुआ दैट यू डिड नॉट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील योरसेल्फ. यस, एब्सोल्युटली हुआ मिल गया. हां, एब्सोल्युटली ऐसे ही है. और ये सबसे खूबसूरत बात ये है कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई फील प्रिविलेज एंड ऑनर कि ये मेरे प्रोफेसर हैं जिन्होंने मुझे 2000 से लेकर 2004 तक, आई वाज अ स्टूडेंट, तो उन्होंने मुझे सेल्स मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो उन्हें मेरा सारा कुछ पता है कि हाउ. और हमारे दौर में जब हम BBMBA करते थे तो वी यूज टू बी थ्रोन इनटू द मार्केट, वी हैड द, अभी तो वो बच्चों को हम प्रेशर्स नहीं देते जो कि हमें मिलते थे. ठीक है, तो ये अब एक्चुअली क्योंकि आई थिंक ये जो कनेक्टिविटी विद द नेट, गैजेट्स, वो बहुत इजी हो गई है, तो हम गूगल करते हैं. और लेकिन जो रियल मार्केट का सेंस करना है, रियल होलसेल मार्केट में लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है और उसके बाद उनकी लैंग्वेज को अपने थियरी टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो फिर आपके दिमाग को ज्यादा बेहतर खोलता है. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड. और वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ही एम्बेड में आता है. तो अंडर दो, तो आई फील्स वेरी गुड. तो ये एक मेरी बहुत बड़ी कोलैबोरेशन कोविड के अंदर हुई है, तो आई फील गुड बिकॉज अभी तक हमने पंजाब के अंदर, क्योंकि रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, तो दो फंडिंग हमने कर ली है, तीसरी और चौथी इज इन द पाइपलाइन. तो इट फील्स गुड कि मैंने पूरी एनालिसिस की, सर ने उसको अप्रूव किया और यू नो वी आर गुड टू गो. बट द थिंग इज कि कोलैबोरेशन हमेशा उन लोगों के साथ आप करें जिसके साथ आपका माइंड सेट मिलता हो. ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर मुझे कह रहे थे पिछले 3 साल से कि नौरीन स्टार्ट वर्किंग, यू विल एंजॉय इट. तो उस टाइम पे यू नो द अपॉर्चुनिटीज वर, अपॉर्चुनिटीज एंड द प्रायोरिटीज एट दैट टाइम वर वेरी डिफरेंट. तो आई वाज फोकसिंग मोर ऑन माय बिजनेस की पैरामीटर्स. तो व्हेन आई वेंट इनटू दिस कोविड थिंग, तो देन आई सेड के द बिजनेस इज नॉट देयर, व्हाई नॉट ट्राई एंड हेल्प पीपल. So then I spoke to him and he said, come on, let's start. So I, you know, floated a WhatsApp message and then I posted something on the Facebook, different groups. The outreach increased. Bahut zyada.
तो उसमें कुछ लोग थे जो जेन्युइन थे, वो कनेक्टेड रहे, बिकॉज हम कर से हंसना देते हैं, वी डोंट चार्ज एनी इंटरेस्ट और एनीथिंग, बट हम यू हैव टू रिटर्न बैक द मनी. उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है ना. तो हम ये कहते हैं कि जब आपके ऊपर तलवार लटकी रहती है ना, यू हैव टू पे बैक द मनी. यू पुट इन मोर एफर्ट्स, यू ट्राई एंड मेक योर थिंग वर्क. बट अगर आपको पता है कि पैसे वापस नहीं करने, इट्स अ ग्रांट, सो देन इन द अंडर दो सर्कमस्टांसेस आप थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, आप वो पैसे मिस यूटिलाइज कर देते हैं, जैसा विटनेस किया है. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट इन फेवर ऑफ ग्रांट्स, वी आर इन फेवर ऑफ यू नो गिविंग लोन या इक्विटी मॉडल. ये दो चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं. तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह we're working on it. Or crowd funding ke upar collaboration helps you develop your crowd funding ka jitni bhi opportunity hai na wo, or I have been able to build that, so that's the best part. Noreen, sorry to interrupt, we've been joined by General Ubaid sahab. General Ubaid sahab is the vice chancellor of Lahore Garrison University, and so we are having with us Miss Noreen Ghaffar. Miss Noreen Ghaffar is a seasoned entrepreneur and a senior she works with the Rawalpindi Chambers of Commerce and Industry. Set a mic off. Yeah. I'm unmuting it. So can you please unmute your mic? I'm not being able to do it from here. Sorry, Noreen, welcome on board. I'm sure you're the right person, because a woman coming from the Chamber of Commerce, and nowadays there is a mafia going on, which is women mafia, women entrepreneurship mafia, and everybody is the right line towards them. So, sir, actually ye women mafia na kahe aap, hum to us philosophy pe believe karte hain ki women support women, very good. But when men support women, it's a thumbs up. Reason being, जब आप घर में भी जब आपके फादर आपके साथ खड़े होते हैं या आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े होते हैं, तो आपकी बात में बहुत ज़्यादा वजन होता है. तो आई बिलीव इन दैट फिलोसफी. और मेरे जितने भी चेंबर में हम जितने भी वुमेन काम करते हैं, हम सारे इस फिलोसफी पे, बिकॉज वी वर्क इन द मेन स्ट्रीम चेंबर एंड नॉट वुमेन. क्योंकि आपको बिजनेस में ग्रो करने के लिए यू नीड टू बी जेंडर इन डिफरेंट. उन्होंने एक बात बोली, एक खातून जब हमारे पास आके बैठी, तो वो कुछ करोड़ रुपए की टेन मिलियन की ट्रांजेक्शन करी थी, और वो कह रही हैं कि जो है ना, मुझे ये भी माफ़ करा दो, मुझे वो भी माफ़ करा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो. तो सर ने कहा कि बेटे, द थिंग इज़ कि यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव कि अगर मैं आपकी ये रिलीज़ कराता हूँ ट्रांजैक्शन, तो व्हाट विल आई गेट. क्योंकि अगर 1 मिलियन तक की ट्रांजेक्शन होती तो मैंने कोई मसला नहीं था, लेकिन इट इज़ बिग मनी यू टॉकिंग अबाउट, तो यू हैव टू टॉक अबाउट माई शेयर. सो वुमेन कार्ड कैन बी प्लेड टिल यू आर बिलो 1 मिलियन 2 मिलियन. But when you cross 2 million and above, so you are talking business, real-time business. So real-time business where you have to treat yourself as a business person, or most of all, you have to be treated as a human. Zyada zaruri hai. Right. So please continue, Ji. I would not like to interrupt that. I will have questions at the later part. Oh my God. I will have a tough time, that means. Well, I didn't give you an example. That's not the point, because you are a guest here, and we will have a little bit of more discussion after the program and the later stages, because once you are on our program, you are going to live with us for quite some time now. We don't leave people that easily. We are Inno Mafias. We call ourselves Inno Mafia, Innovators Mafia. Yes. That's so nice. मैं चाह रही हूँ कि अगर कोई आप लोगों के साथ collaboration इस तरह की हो जाए, जिसपे मेरा जो 2 मिलियन तक की नए बिजनेसेस इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर हमारे पास US और कनाडा के अंदर देयर कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, सो वी आर लुकिंग फॉर सम डिफरेंट आइडियाज जिसपे बच्चों के पास एटलीस्ट एक बिजनेस प्लान बना हो, कुछ नंबर वर्किंग किए उन्होंने, तो देन यू नो
we can fund. The problem that I'm facing for the last I think this is months, the sweetest this is the sweetest hearing of the last 1 month of our exercise. It's just like more sweeter than the honey, in fact, to hear such a gracious offer. And we will grab it because we are Innomafias. Innomafia is coming. Yes. So if so I since, collaborate with the mafia, so I also become one. Yes, oh, yes, we want you to be. We will exploit the women entrepreneurial mafia also. So please, Amit, go ahead. Noreen, please go ahead. I will not interrupt now. Okay, thank you. Acha, hum baat kar rahe the collaboration aur networking ki. तो नेटवर्किंग मैंने आपको जो बताया अभी तक उसके अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप जितने चैलेंजिंग लोगों के साथ मिलते हैं उतना ज़्यादा आप अपने आप को ग्रूम करते हैं. और स्पेसिफिकली जो हमारी यूथ है और हमारे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर जो सबसे बड़ा सेटबैक नज़र आया है बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 4 years विद देम, तो हमारे अंदर एक फेयर फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हमें होता है कि अगर उनको कुछ बुरा लग गया या हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो देर इज एन एलिमेंट ऑफ फियर. मैं उनको कहती हूँ यार एटलीस्ट बोल के तो देखो, क्या पता जो आप सोच रहे हैं, बिकॉज आप सोच रहे हैं अपने हिसाब से, अपने माइंड सेट के हिसाब से, अपने एक परसेप्शन है, माइट बी इफ यू टॉक इट आउट द थिंग्स माइट टर्न अ बिट डिफरेंट. तो वो उस परस्पेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फियर को हटाना चाहिए. देन वुमेन के अंदर शाइनेस बहुत ज़्यादा है. हम बहुत सारे एलिमेंट्स को व्हेन वी गेट आउट इन द मार्केट तो शाइनेस है, तो उसको थोड़ा सा शाइनेस क्यों है बिकॉज कल्चर हमारा ऐसा है. और दूसरा एलिमेंट ये होता है कि हमें नॉलेज उस तरह की नहीं है, और जब कोई हमसे ऊंची आवाज़ में बात करता है तो हम घबरा जाते हैं. तो घबराने वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये पेट लाइन है ना हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की कि घबराना नहीं है. सो घबराना नहीं है व्हेन इट इज़ बिजनेस. इट्स यू नीड टू लाइन अप एवरीथिंग, यू शुड राइट इट डाउन, क्योंकि सुन्नत का तरीका भी यही है. जब किसी के साथ आप कोलैबोरेट करें तो ज़बानी मैंने जो भी कहा, चले आजकल तो रिकॉर्डिंग का ज़माना है तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, बट इट्स बेटर टू राइट और साइन कर लें उसको, क्योंकि बोलने में और लिखने में चीज़ बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले जाती है. क्योंकि आज जो मैं बात कर रही हूँ अगर मैं उसको लिखना शुरू करूँगी तो माइट भी कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए. तो जब आप लिखते हैं तो बेहतरी आती है. तो बिफोर हैंड चीज़ें करना मैं समझती हूँ कोलैबोरेशन के अंदर बेहतर होता है, रादर के बाद में हम, क्योंकि जब पैसा आना शुरू होता है ना, पैसा बहुत बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ भी है बुरी चीज़ भी है. तो जब व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी और फिर बहुत ज़्यादा फ्लो में आता है तो आपके साथ कोई ना कोई पार्टनर या कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स जो होते हैं उसमें से किसी एक की नीयत ख़राब हो जाए सो सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़े के अंदर किसी के भी हाथ कुछ नहीं आता. दिस इज़ व्हाट आई हैव विटनेस. और हमारे पाकिस्तान में इसकी बेतहाशा मिसालें हैं. अब अच्छा नहीं लगता, एक हॉस्पिटल है, नाम नहीं लूँगी मैं, अ फ्रेंड ऑफ माइन उसका है, और दे वर डूइंग सो गुड के पांचों दोस्तों ने अपने 5 लाख लगाए थे उस इदारे के ऊपर एंड बिलियन के अंदर वो बिलियंस में चली गई उसकी ट्रांजैक्शंस. और ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि कोलैबोरेशन में कोई आपको पैसे किसी के इस्तेमाल हो रहे हैं, रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई बंदा फेमस हो रहा है, कोई बंदा नेटवर्क बना रहा है, तो हर कोई अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करके एक कोलैबोरेशन करके और आप एक बड़ा बड़ा इदारा बनाते हैं. तो जब उसमें से अगर चीज़ें लिखी नहीं होती और एक पॉइंट आता है कि आपको ना बहुत सारे जो एक्सोजनस फैक्टर्स हैं, इसमें मेरा कोई जानने वाला है वो कहेगा नौरीन अहमद इज़ टॉकिंग लाइक दिस अबाउट यू बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग इन योर एफर्ट. फिर अहमद अगर मेरे साथ क्लियर लाइन्स के ऊपर है तो बड़ा FIA में मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई कि ऑलवेज कॉल. अगर अहमद इज क्लियर और उनको लोगों की बातों में वो मुझे कॉल करेंगे पूछेंगे नौरीन डिड यू टॉक अबाउट मी विद दैट पर्सन, तो आप उसी वक्त जब कन्फ्रंट कर लेते हैं तो चीज़ उसी वक्त
खत्म हो जाती है, बट हमारे यहाँ जो गैप आता है कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि वी आर सो बिजी, और फिर कोई एक बंदा भी बिजी है तो वो उस तरह से टॉक, वी कांट टॉक इट आउट, तो वो फिर दिल में जब बात रहती जाती है तो फिर चीज़ ख़राब हो जाती है. और ये सबसे बड़ा कोलैबोरेशन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि लोगों की बात सुनना और उसको पर एक्सेप्ट कर लेना कि ये जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उसका ये. अभी रिसेंट पास्ट के अंदर मैंने एक कोलैबोरेशन किया, आई वाज सिटिंग, आपको पता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने कोई काम नहीं किया, चार मतलब डाइन इन पे ज़्यादा फ़ायदा बिकॉज वी आर लोकेटेड इन द पार्क, तो वी वर द फर्स्ट वंस टू बी क्लोज्ड एंड लास्ट वंस टू बी ओपन. सो ये एक चैलेंज रहा लोकेशन का. तो अंडर उस सर्कमस्टांसिस में जब मेरे पास बिजनेस कोई नहीं था तो माय फ्रेंड दे गेव मी अनदर अपॉर्चुनिटी, सो आई डिड एंड स्क्रैप की डील, उसने मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने अपने नेटवर्क के अंदर उस इंफॉर्मेशन को फ्लोट किया और विद इन 5 मिनट्स आई गॉट द बायर. जब बायर मिल गया, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे सिखाई, वी आर आवर फ्रेंड्स. अब जब 5 मिनट के अंदर बायर ने लॉक कर दी डील तो मैंने इनसे कहा कि आप अपने पॉइंट्स लिख दें, क्योंकि आई वॉज अ मीडिएटर, आई वॉज अ ब्रिज बिटवीन द टू. तो बायर ने अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख के मुझे दी व्हाट्सएप पे, सेलर ने मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख के दी, और उसमें उस रिक्वायरमेंट्स को एक ही बार करने के लिए वी टुक अस लाइक यू नो, क्योंकि वही बात है जब लिखते हैं तो आप कहते हैं कि ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ताकि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए. और ऑन बिहाफ ऑफ बोथ द पार्टीज आई गारंटीड, बिकॉज आई वॉज द ब्रिज, तो मुझे गारंटी करनी थी, तो मैं गारंटी जब ही कर सकती हूँ ना जब दोनों पार्टियाँ मुझे अपना गो अहेड दे दें, अपना कंसेंट दे दें कि ये चीज़ें इस तरह से होंगी, तो वो ट्रांजैक्शन हमारी एग्जीक्यूट, एवरीथिंग इज रिटन साइंड बाय एवरी पर्सन. अच्छा जी, अब एग्जीक्यूशन हो रही है, दो ट्रक हमारे लोड हो गए, दो ट्रक लोड हो गए, कोई मसला नहीं है. तीसरा ट्रक अभी लोड होना था हमारा, तो उसमें किसी ने अपने ही एक दोस्त के कान में कुछ फूका के नौरीन तो और 5 ट्रांजेक्शन करी जिसमें तुझे आउट कर दिया उसने. सो मेरे वहमो गुमान में कोई बात नहीं थी, लेकिन मार्केट में इस तरह के लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें फ्लोट करते हैं. और कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स के बीच में ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा की जाती है. अब चीज़ लिखी हुई है, सब कुछ है उसके अंदर, बट ये जो एग्जॉजनस फैक्टर्स हैं वो ट्रांजैक्शन को आपकी यहाँ तक बात होगी, कहते हैं बैक आउट ऑन टू द डील, जस्ट क्लोज इट. मैंने कहा ओके फाइन, लेट्स क्लोज इट. तो कभी कभी आपको कड़वा घूट पीना पड़ता है. मुझे पता था कि उस टाइम पे चूंकि वो हीटअप हुई हुई है चीज़, तो मैंने कहा आई क्लोज इट. तो वो क्लोज मैंने कर दी उसके चेहरे पे. फिर थोड़ी देर बाद उसका जब गुस्सा ठंडा हुआ, सो ही कॉल्ड एंड ही सेड कि प्लीज़ कंटिन्यू. तो मैंने कहा मुझे पता था कि आपके गुस्से का लेवल इस तरह से है, क्योंकि देर आर वेरी लेस पीपल, मतलब ये थोड़ी सी ये तल्ख बात है, तल्ख हकीकत है जो बिजनेस में मैंने विटनेस किया है फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, के जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सच्चाई का वो हम फॉलो नहीं करते. अगर मुझे एक चीज़ 50 रुपए की मिल रही है तो मैं आगे अपने 5 रुपए ऐड करूँगी, फिर अगला आगे 5 रुपए ऐड करेगा, तो वो इतनी महंगी हो रही है चीज़ आखिर में पहुँच के कि अल्टीमेटली किसी के भी हक में कुछ भी नहीं आता. तो हम चूँकि मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेमन कहते हैं कि थोड़ा खा लो लेकिन इज्जत से खा लो, मिल बांट के खा लो. 25 पैसा आ ही रहा है ना, जा तो कुछ नहीं रहा. सो उस माइंडसेट के साथ अगर हम चलें, क्योंकि डील तो लॉक हो ना, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो इशू रहा कि अपॉर्चुनिटीज हैं रही, बट इतनी ज़्यादा प्राइसेस, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान को अपनी थोड़ी सी वैल्यूज के ऊपर भी काम करना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई से. नौरीन फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली ये आपका जो मुझे ये टर्म इस्तेमाल करते हुए कि वेमेन कम्युनिटी कहती है जितना कम से कम भी हो आप मिल के बांट के खा लें. मैं आपको इसके ऊपर एक चाइनीज की भी, मैं बिकॉज आई हैव बीन विद देम फॉर 4 ईयर्स, मैं वहाँ पर था एम्बेसी में, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त सेइंग होती थी, वो आप उनके पास जाएं तो वो बार्गेन करते थे. आप उनको कहते थे कि जी वो लेट से प्राइस हुई, उसने कहा कि दिस इज फॉर 200 यूएन या आरएमबी जिसको कहते हैं, एंड यू से कि नहीं आई ओनली वांट टू बाय इट फॉर 4 यूएन,
पहली चीज तो ये थी कि दे वुड नेवर एवर बी एंग्री, वो फिर भी स्माइल करेंगे कि बस थोड़ा सा ऊपर आए उसको, वो चाइनीज में जो कहते हैं आई विल नॉट रिपीट दैट, वो कहते थोड़ा सा ऊपर आए, मतलब अभी आप इमेजिन करें 204 यहाँ पे अगर आप कहीं किसी को शादी में भी कह देना तो वो आपको उठा के अपने नौकरी में बाहर फेंकवा देगा। तो बात ये थी कि दे वुड स्टिल कीप यू एंगेज्ड, उन्हें कहते थोड़ा सा ऊपर आए, तो अच्छा उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं चलो 4 से मैं 8 कर देता हूँ, तो स्टिल दे वुड से कि नहीं थोड़ा सा और आप करें, करते कराते वो डील 20 हो जाएगी। लेट्स से मैंने उनसे बहुत पूछा, मैंने कहा ये देखो बात सुनो, ये तुम 200 को 20 तक ले गए हो, तो ये व्हाट इज दी ब्रेकअप पॉइंट जहां आप कहोगे कि मैंने नहीं देना, क्योंकि एक ऐसी हमने ट्रिक सीख ली थी कि जब हम उनसे मूव करना आउट मूव करना रखते थे दुकान से, तो अगर वो आखिर दम तक आपको बुलाता रहना है इसका मतलब है अभी तक डील ऑन है, जिस वक्त वो आपको वापस बुला बुलाए दैट मींस ऑन खत्म हो गई। तो मैंने कहा ये ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा होगा, इतनी खूबसूरत बात की जो कि मेरा ख्याल है एन इस्लामी है, और वो आपके ये जो आपने डायलॉग अभी वेमेंस के लिए बोला है वो उसके अंदर भी फिट होती है। उसने कहा ये बात ये है, अगर 5 रुपए की चीज है या 4 रुपए की चीज है और 4.1 या 4.01 भी मुझे मिल रहा है तो मैं आई विल गो फॉर दैट बिकॉज मुझे प्रॉफिट मिल रहा है जो भी है, लेकिन उससे बड़ी चीज ये मिल रही है कि मेरी सर्कुलेशन हो रही है, मैं ये अभी बेच के वापस जाऊंगा अपने बायर के पास, तो ही विल आल्सो हैव कॉन्फिडेंस इन मी कि मैं उनका परमानेंट बायर हूं जो एवरी डे ही कम्स टू हिम और दो तीन चीजें खरीद के जाता है। तो मैंने एक तो सर, और दूसरा वो पैसा मेरा सर्कुलेशन में आ रहा है विच इज एब्सोल्युटली इस्लामिक। तो प्रॉफिट देखना है आपने, ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात कर रहा हूँ कि प्रॉफिट को आप देखें छोटे से छोटा भी हो, कीप इट मूविंग, इसमें बरकत मूवमेंट में है और स्पेशली कैश फ्लो में है। कैश फ्लो दो तीन लेक्चर्स में लोगों ने बताया कि नहीं कैश फ्लो जैसे बंद हो जाएगा आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसमें देखें आप अपने बायर से भी अपनी जो है मरासम रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं, आप सर्कुलेशन भी कर रहे हैं, और हो सकता है मिडलमैन भी आपका हो बीच में, एक या दो या तीन, उनको भी आप सर्कुलेशन में ला रहे हैं। तो ये मेरी बहुत अच्छी आपकी बात लगी कि प्रॉफिट जितना भी छोटे से छोटा हो कोशिश करें कि जस्ट ग्रैब इट, कोशिश करें बड़ा भी मिले। कई दफा ऐसे आते हैं अमेरिकन आ जाते हैं, गोरे आ जाते हैं, आप जैसे आते हैं तो हमें ऑलमोस्ट जीरो पे प्रॉफिट होता है, लेकिन ऐसे भी आते हैं जहां दे कॉम्पनसेट फॉर इट, तो आप उन अपॉर्चुनिटी को जरूर, लेकिन एक्चुअल चीज ये है कि जब भी आपको कुछ थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता है गो फॉर इट। थैंक यू एक्चुअली कोविड के अंदर तो ये बहुत सारी चीजें हमने सीखी ना कि पहले भी हम करते थे बट इसमें हमें ये पता चला कि अच्छाई करना कितना जरूरी होता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सोशल कम्युनिटी सर्विस के ऊपर इतना ज्यादा काम कर रही थी, सब पूछते थे क्यों करती हो वाई। अब देखिए इसके मैंने जब कराची से मूव हुई आफ्टर माई मैरिज तो आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, आई तुम अहमद आप तो जानते हैं मैं रेडियो भी करती थी, मैं इवेंट्स भी करती थी और पढ़ाती भी रही हूँ, तो फिर यहाँ आके ना बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल हो गया बिकॉज़ आई न्यू नोबडी इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। लेकिन फिर फाइनली जब मैं नेटवर्किंग के अंदर आई, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीखी, अंडरस्टैंडिंग हुई, तो मैंने काफ़ी सारी कमेटी पार्टीज ज्वाइन की हुई थी, बट इट वॉज सो एक दो साल मैंने किया बट वो कमेटी पार्टीज के अंदर जो डिस्कशंस होती थी ना वो सिर्फ होती थी कपड़े जूते बैग्स एंड ब्ला ब्ला। तो जब मैं उनको एक दे रही थी कि अगर कुछ करना है तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप किसी को पढ़ा दें, अपने घर के काम वालों को पढ़ा दें, मैंने अपने बच्चे के अंदर याद बेसिकली हाँ यू हैव टू डू समथिंग प्रोडक्टिव क्योंकि आई हैव बीन ग्रूम्ड लाइक दैट। घर में भी मेरे डैडी के साथ हम लोग कोशिश करते थे कि जो है ना मिल बांट के काम करें, घर में भी कोलैबोरेशन हमारी चलती थी कि एक दिन मेरी मम्मी को ऑफ मिलता था कि वो कुछ काम नहीं करती थी और मैं मतलब बच्चे और माय डैड यूज्ड टू डू ऑल द कुकिंग क्लीनिंग एवरीथिंग। सो इट फील्स वेरी नाइस जब आप इस तरह की चीज़ें अपने कल्चर के अंदर अपने अंदर इनकलकेट कर दें। सो गुड इफ यू डू गुड गुड विल हैपन, मे बी इट विल बी अ बिट लेटर लेकिन इट विल रियली हैपन क्योंकि एवरीथिंग हैपेंस एट इट्स अपॉइंटेड टाइम, हर चीज का वक्त मुकर्रर है, उससे पहले कुछ नहीं होगा। तो हमने हिम्मत नहीं हारनी, तो ये हमारे जितना हम बिजनेस के अंदर ना मैंने ये विटनेस किया है कि आप
का बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज यू डूइंग समथिंग बट यू नो, आपको जब आपकी नीयत बहुत साफ है, आप बहुत क्लियर उसके साथ काम कर रहे हैं, तो अल्लाह की मदद आपको शामिल हो जाती है. तो वी आर फॉर्चुनेट वंस बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, तो हम जब बिलीव सिस्टम हमारा जरा थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आपको ऐसी ऐसी वसाइल से, ऐसे ऐसे जराए से, अगर आपकी नीयत साफ है तो आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं कि मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस थिंग. अब रावलपिंडी चैम्बर में मैंने 4 साल मैंने बहुत सारे इदारों के साथ काम किया, जैसे नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन हर जगह पे ये पता चला कि हर कोई अपनी मशहूरी चाह रहा है. वो एक्चुअल जो पर्सन है जो ग्रास रूट लेवल पे है उसके लिए कोई काम नहीं करना चाहता. एग्जैक्टली. हाँ, ये आपने भी विटनेस किया होगा अहमद. बिल्कुल. तो फिर आप फिर बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मैं गई और मेरा नाम कहीं नहीं आता था. बड़ी हैरानगो बात थी कि जब मैं जब प्रॉब्लम है तो मैं ही हूँ हर जगह पे उनका शोल उठाने में, उनके पास चीज़ें इकट्ठी करने में. तो कोविड में ये सीखा मैंने कि एटलीस्ट आई शुड बी रिगार्डेड टू सम एक्सटेंट. तो वो फिर मैंने ये एनालाइज किया कि जो रजिस्टर्ड इदारे होते हैं और विद इन दी एम्बिड हमारे एक्सेस के अंदर जब वो इदारे होते हैं, तो आई मेड अ मैंडेट फॉर माई सेल्फ लास्ट 3 years back के मैं सिर्फ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अलावा किसी के साथ फलाई काम नहीं करूंगी, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ की जो लीडरशिप है वो नेटवर्क ऑफ कोलैबोरेशन के ऊपर इतना ज्यादा काम करते हैं. और ये मैंने विटनेस किया क्योंकि वो मंझे हुए बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि मैं कराची में नहीं हूँ ना, कराची में माई एंटायर फैमिली they are into business and the community it speaks for itself, but chuki I am in a different city but hai to pakistan, it's our pakistan. to yahan pe maine dekha rawalpindi ke andar ki ye log itni help karte hain, out of way bhi jate hain at times. aur sabse behtareen aur khoobsurat baat mujhe chamber ki lagi ki main kaam karti rahi hu wherever the need was there. to inke do bade mega projects hote hain, ek hota hai international rawal expo. तो वो लास्ट ईयर जो किया उसकी कोर कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर आई वाज पार्ट ऑफ इट, और उसमें इतनी लर्निंग, इतनी B2B कॉन्फ्रेंसेस, मतलब के चाइनीज डेलीगेशन आ रहा है, इंडोनेशिया से डेलीगेशन आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, यूके से आ रहा है. तो वो सारी डेलीगेशन के अंदर जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि वो चेंबर के प्लेटफॉर्म से हैं, सो दैट मीन्स कि दे आर रिलायबल बिजनेसेस. वो टैक्स पेयर भी हैं, वो कम्युनिटी सर्विस भी करते हैं और भी बहुत सारी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर वो काम करते हैं. तो फिर मैंने अपना मैंडेट बना लिया और मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अलावा इन पिंडी टिल डेट आई डोंट वर्क विद एनी अदर इदारा. रीज़न यही बता दिया मैंने कि लोगों को वहाँ पे एटलीस्ट मुझे पुल तो किया गया ना. देर आर 2 types ऑफ स्ट्रैटेजीज इन बिजनेस, इधर यू पुश योर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट बाई गिविंग सब्सिडीज डिस्काउंट्स और व्हाटएवर. And one is pull product. You create it in such a way that people pull you. अब मेरे साल एक pull product है. I'm a pull product because I have put in a lot of efforts in sharing my information with the masses. कि सबको platform देना. तो उसके अंदर people want me to be with them. और I also feel nice when people approach me. तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे काम को regard किया जा रहा है. बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आई हैव अ फैमिली आल्सो टू टेक केयर ऑफ. तो वो सारी चीज़ें जब मैनेज होती हैं तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाती हैं. तो कोलैबोरेशन क्यों हमें चाहिए, इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप अकेले ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते. कोलैबोरेशन किसी भी स्टेज पे जब आप जाएंगे ना, और अगर आप थोड़ा सा विजन रखते हैं तो आप खुले दिल के साथ, और बिजनेस में यू हैव टू वर्क विद एन ओपन हार्ट एंड ब्रेन्स टू, तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स मेनी टाइम्स. सबसे 6 reasons मैंने अभी तक जो देखे हैं कोलैबोरेशन के अंदर दैट हेल्प एनी बिजनेस टू ग्रो. फर्स्ट इज दैट यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन. आपको रीड करना बहुत जरूरी है. यू हैव टू रीड फ्रॉम यू नो बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी चाहिए,
जो केक इंस्पिरेशन है, जैसे हम पेंगुइन्स की बात करते हैं, हम केंटकी, क्योंकि हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हैं तो हम केएफसी को देखते हैं, मैकडॉनल्ड्स को देखते हैं कि हाउ दे स्टार्टेड. ऑल ऑफ अ सडन उनका एम्पायर नहीं खड़ा हो गया, दे स्टार्टेड स्मॉल एंड देन अल्टीमेटली फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे आए, फिर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उन्होंने काम किया. तो यू नीड टू सीक इंस्पिरेशन, बेसिकली यू नीड टू हैव अ नॉर्थ स्टार, समवन टू, समथिंग टू रेफर टू. या और आपको पता है हम सारे यू आर फाइव पीपल, जो जितने भी पांच लोग कुछ आप मिलते exactly. हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ दोस. तो कल मैं हिशाम सर्वर ने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक वीडियो क्लिप डाली और उसके ऊपर उन्होंने बताया हाउ कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और कोविड के अंदर मुझे अपनी की स्ट्रेंथ पता चली, मेरी की स्ट्रेंथ उससे पहले मुझे पता नहीं थी. तो बिस्तर पे लेट के सिर्फ यही सोच के कर सकते थे कि की स्ट्रेंथ क्या है, वो एनालाइज कर लें. माय सबसे अच्छी की स्ट्रेंथ जो है ना, वो मेरी नेटवर्किंग स्किल्स है और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है. ये दो चीजें मुझे आउटस्टैंड कराती है इन एवरी क्राउड, अल्हम्दुलिल्लाह. और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर कोलैबोरेशन, जो कि आपको हेल्प करता है इन ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस, कि अपना नेटवर्क कितना आप बढ़ा सकते हैं. और नेटवर्क में लोग ये समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, मैं एक्चुअली इनडायरेक्ट सेलिंग करती हूँ, आई डोंट डू डायरेक्ट सेलिंग. क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं ना, मतलब अपना अपना विजन है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो क्या समझते हैं, किस तरह से करना है. क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं ना, तो जब आप नेटवर्क में घूमते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो उसमें होता ये है कि पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग यू, कि या ये तो मिल इसीलिए रही है कि उसको बिजनेस चाहिए. तो वो वाला जो टैबू है, या वो वाली जो टैगलाइन आपके लिए कही जाए ना, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता है. अपना अपना पर्सपेक्टिव है. तो अभी हमारी एक फ्रेंड सर्कल में, व्हेनेवर शी इज इन अ नेटवर्क, she really wants to network for business only. I also network for business only, but I do indirect selling. और उसमें मैं collaboration बहुत ज़्यादा रखती हूँ हर एक level पे, क्योंकि रोटी टुकर आपको पता है, it's a philosophy, it's just not a restaurant, it's an entire arena of, वो हमारा सारा कुछ तसलसल टूट गया because of the corona, but इंशाल्लाह हम revive उसको कर रहे हैं, तो वो फिर बेहतर इंशाल्लाह हो जाएगा. इंशाल्लाह. The third one. आप किसी पे ट्रस्ट करोगे तो आप उसके साथ बिजनेस करोगे. अगर मैं आपको बताऊं, 2004 में मैंने अपना बैंकिंग करियर शुरू किया था, और वो मेरे पहले बॉस मोहम्मद अली पाशा, एचआर हेड, आज दिन तक अगर नौरीन गफ्फार पाशा साहब को कॉल करती है ना, तो पाशा साहब इज गोइंग टू टॉक, और वो मुझे गाइड करते हैं. फिर मेरे मेंटर अब्दुल अजीज मेमन, हु वाज हेड ऑफ क्रेडिट, देन यूएस ग्रुप हेड इन एमसीबी बैंक, आज भी वी आर इन टच विद देम. तो 16 साल हो गए छोड़े हुए बैंकिंग सेक्टर, मतलब उनसे इंटरेक्शन उस तरह नहीं हुई. फिर मैं अपने प्रोफेसर्स की बात करती हूँ, क्योंकि 2000 से लेके 2004, तो रिलेशनशिप क्या आपका रख रखाव कैसा रहा, क्योंकि दुनिया गोल है, किसी के साथ बुरा करेंगे, और कल कोई आपकी ऐसी ट्रांजैक्शन कहीं आ गई तो आप फंस जाएंगे. और ये हमारी यूथ का बहुत बड़ा मसला है, हम लड़ाई कर लेते हैं, हम झगड़ा कर लेते हैं. तो बिजनेस जब आप करते हैं, तो आप हमेशा रिलेशनशिप निभाते हैं, क्योंकि आज अगर मैंने वो डील लॉक नहीं की, तो मे बी आफ्टर 20 years 25 years. और ये मेरे प्रोफेसर की एक मिसाल है कि ही वॉज टेलिंग मी टू वर्क फॉर हेम फॉर 3 years, बट आफ्टर 3 years व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, कि मैंने कहा सर मैं करना चाहती हूँ कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घर बैठ के पक गई हूँ, तो कहते हैं मैं तो तुम्हें पहले भी कहा हुआ है डू इट. सो ही शोड मी द कॉन्फिडेंस, एंड आई वाज अ वेरी वेरी स्टूडियस सॉर्ट ऑफ अ क्या कहते हैं बच्चा इन द स्कूल, और मैं
बहुत शाय हुआ करती थी वंस अपॉन अ टाइम, और मेरे प्रोफेसर कहते हैं अभी भी आई स्टिल रिमेम्बर यू हाउ यू यूज्ड टू सिट इन द क्लास एंड नाउ व्हेन यू टॉक आई फील वेरी नाइस. तो बहुत इट गिव मी अ ग्रेट एनकरेजमेंट जब मेरे प्रोफेसर के मुंह से मैंने ये अल्फाज अपने लिए सुने, तो इट फेल्ट नाइस. और मेरे यूनिवर्सिटी के जो डीन हैं तो इट फील्स वेरी नाइस. तो रिलेशनशिप चलाने चाहिए, बहुत ज़रूरी है. और मैं तो हर खातून को ये बात कहती हूँ कि हर वुमेन जो है ना एक बिजनेस है इन इटसेल्फ. रीज़न बीइंग अ वुमेन, आपने अपने सारे रिश्ते निभाने हैं, ठीक है. आप एक बेटी भी हैं, आप एक बहू भी हैं, आप बीवी भी हैं. सो दैट मीन्स कि योर इंटरपर्सनल स्किल्स हैव टू बी वेरी वेरी नाइस, क्योंकि हर किसी को जैसा बंदा वैसी मेहमानी वाला जो एलिमेंट है वो करना होता है. देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, तो उसके लिए उसकी नर्चरिंग, तो उसके अंदर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होती है, तो यू आर R&D. देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द किचन, सो दैट मीन्स यू हैव टू डू परचेजिंग, मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, तो यू आर डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस. देन यू डू बजटिंग ऑल्सो, कि अगर कोई दावत हो गई, कोई फलाना हो गया, सो आप बजटिंग भी करते हैं. फिर उसके बाद बजट में से आप कुछ पैसे भी बचा लेते हैं. तो यू डू सेविंग, तो सेविंग के बाद आप एक्सप्लोर करते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट्स. सो ये हमें पता नहीं है अपने बारे में कि औरत बहुत खूबसूरती के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, क्योंकि वो एक इदारा है इन इटसेल्फ. आदमी भी है, लेकिन चूंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हूँ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सिर्फ राइट्स की मैं नहीं मानती, क्योंकि राइट्स तो हमें दीन ने इतने दे दिए हैं कि किसी और कोई हमें मैच नहीं कर सकता. बट अगर मैं इकोनॉमिकली एम्पावर होंगी, जब मेरे पास पैसे होंगे, तो मैं डिसीशन ले सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली बहुत सारे काम कर सकती हूँ जो कि मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए बेहतरी का बायस बन सकते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई टेल एवरीबडी. तो ये थर्ड पॉइंट था कि एजुकेशनल कोलैबोरेशन शुड बी एजुकेशनल. तो जितना आप लोगों में इल्म बांटेंगे, तो इल्म कभी कम नहीं होता, ये बात समझने की है. बहुत सारे लोगों में ये फियर है कि अगर मैंने अपना बिजनेस आइडिया शेयर कर लिया किसी के साथ, तो वो आइडिया चोरी हो जाएगा. याद रखिएगा कि अगर आपका आइडिया है तो वो आपकी मिल्कियत है. जितना खूबसूरती से उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको कोई और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, चाहे वो कर लें. लेकिन आपको अगर आपका आइडिया चोरी हो गया है, लेट सपोज हम इमेजिन कर लेते हैं, थोड़ा सा गुस्सा जरूर आता है, लेकिन कोई बात नहीं. कोई बात इसलिए नहीं क्योंकि एटलीस्ट आप तो सोच रहे थे ना, आपके तो आइडिएशन फेज में था, लेकिन अगले ने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो यू शुड बी हैप्पी. मैं जो सोच रही थी या मैं ये जो सोच रहा था वो एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेबल तो हो गया ना, यू फील गुड, ऑनर्ड. तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी इज द की, इट्स द की टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स. तो पॉजिटिव रहना चाहिए, टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए. क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे एक ये लव्स बताया कि टॉक्सिक पॉजिटिव ना होना, पॉजिटिव रहो. कि अगर एक चीज़ हम देख रहे हैं, जब हम एग्रीमेंट्स में जाते हैं, हम देखते हैं कोलैबोरेशन के अंदर, तो हम जब पॉइंट्स जॉट डाउन करते हैं, तो उसके अंदर हमें प्रोस तो देखने हैं, लेकिन हमने कॉन्स भी देखने हैं. हमेशा जब भी एग्रीमेंट आप बनाते हैं, तो उसके अंदर एग्जिट बैरियर्स के ऊपर हम ज़रूर बात करते हैं. उस पर थोड़ी सी तलखी भी डेवलप हो जाती है कि व्हाई यू टॉकिंग अबाउट एग्जिट बैरियर्स और ये और वो और ब्ला ब्ला, क्योंकि बुरे वक्त का कुछ पता नहीं है. बैंकिंग सेक्टर में ये सारा कुछ देखा कि जब हम किसी को भी फंडिंग करते थे, तो हमें बहुत ज़रूरी होता था कि व्हाट इफ द क्लाइंट इज अनेबल टू पे, व्हाट इफ द क्लाइंट इज अनेबल टू पे. तो अंडर दो सिनेरियो हमें बात करनी पड़ती थी. जब वो हीटअप हो जाती है ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद आपको पता होता है कि जब आप एग्जिट करेंगे, तो आपको ये पैरामीटर्स के ऊपर काम करना होगा. तो इट्स बेटर टू राइट इट इन द फर्स्ट चांस. और कोलैबोरेशन आपको हेल्प करता है टू सेव ऑन टू मनी. अब मैंने जैसे गेट ट्रस्ट की मिसाल दी थी कि NGO अगर मैं करना चाहती हूँ फ्लाई काम, मुझे क्योंकि एक हिस्ट्री चाहिए आपको, यू नो, टू ग्रो मोर. अब वो ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने जब काम किया हुआ है, देव इन्वेस्टेड ऑन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, देव इन्वेस्टेड ऑन टू द नेटवर्क, फिर डोनर्स के साथ अरेंजमेंट, बहुत सारी चीज़ें. नाउ एक्चुअल वर्क के ऊपर काम किया जा सकता है. तो जब आप कोलैबोरेट करते हैं, तो आप पैसा बचाते हैं. अब रोटी टुकर के अंदर भी मैंने जो कोलैबोरेट किया, तो उसके अंदर आई सेव ऑन टू अ लॉट ऑफ मनी. रीजन बीइंग माय फ्रेंड्स, दे मेड द प्लेस, दे इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी एंड दे डिडंट नो के हाउ टू रन द प्लेस. तो उन्हें चाहिए थी हेल्प
तो जाहिर है आई कुड नॉट वर्क, मतलब मैं एम्प्लॉय तो नहीं हो सकती थी. तो फिर आई कोलैबोरेटेड विद देम. तो उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ों में हमने टाइम भी बचाया और रिसोर्सेज भी बचाए. कुछ कहना, सवाल पूछना चाह रहे हो? क्योंकि हर किसी की एक की स्ट्रेंथ है ना. अब जैसे कोई एंग्री कस्टमर, हैंडलिंग एंग्री कस्टमर्स इज अनदर ग्रेट डोमेन ऑफ माइंड जिसके ऊपर बैंकिंग सेक्टर में जब मैं थी तो आई वॉज यूनिट हेड नॉर्थ और मेरे पास कस्टमर जब भी आता था जब उसका जो सबर का पैमाना ना बिल्कुल लबरेज हो चुका होता. हाँ, और वो आते इसीलिए थे कि जाहिर है वो जितना भी नीचे स्टाफ है वो उनका मसला हल नहीं कर सका. सो और मैं बैठती भी सेकेंड फ्लोर पे थी तो वो एक और मुसीबत थी बिकॉज यू नो सीढ़ियाँ चढ़ के उसने आना. तो हमारा SOP था तो के जब भी कोई मेरे पास आएगा तो सबसे पहले ना हमने उसको पानी पिलाना है. तो टिल द टाइम पानी नहीं आता था तब तक आई वुड यू नो सिट कामली, सलाम करके मैं उनको बिठा देती क्योंकि पोजीशन चेंज करना भी ज़रूरी है. बिफोर आई एक्चुअली लिसन टू हिज थिंग तो मैं उनको पहले पानी पिलाती थी और उसके बाद मैं कहती थी सर अब आप बात करें. तो आधा गुस्सा उसका उसी वक्त ठंडा हो गया और फिर उसके बाद जब उसको मैंने सुना पूरा आधा घंटा या जितनी भी देर जब तक वो अपनी बात नहीं निकालेगा और मैं उसको बीच में इंटरप्ट करूंगी तो वो गुस्सा उसका नहीं कंट्रोल होगा. उसे कुछ नहीं समझ आएगा जो मैं उसको कहना चाह रही हूँ या मैं उसको गाइड करना चाह रही हूँ. क्योंकि हर चीज़ का सलूशन है अगर हम चाहें तो. प्रॉब्लम जब आती है जब हम अपने आपको यू नो जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी सेल्स, आपकी जो नर्व्स हैं वो ब्लॉक हो जाती. और जाहिर है एक शैतानी अमल है गुस्सा. तो वो वाली चीज को हमने देखना होता है और उसको सुनना होता है हमने. व्हेन यू लिसन टू द कस्टमर एंड देन यू एनालाइज एंड देन यू गिव हिम द सॉल्यूशन और हर द सॉल्यूशन तो वो सुनते हैं. तो कोलैबोरेशन सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर पीपल. ये की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि लोगों को सुने और उनकी चीज को एड्रेस करें. तो वो फिर एमिकेबली बहुत सब्र का मादा दिखाना पड़ता है. इट्स नॉट दैट इजी बट इट्स डूएबल. एंड द लास्ट पॉइंट इज कोलैबोरेशन इन एक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज इज अ विन विन प्रपोजिशन. क्योंकि जब आप कोलैबोरेट करते हैं तो किसी की कोई स्ट्रेंथ है, किसी की कोई स्ट्रेंथ है एंड देन अल्टीमेटली यू जस्ट बूम इनटू द मार्केट. और टीम जब अच्छी हो जाती है ना तो देन स्काई इज द लिमिट. तो दैट्स फ्रॉम माय साइड फॉर कोलैबोरेशन एंड नेटवर्क. तो अभी टीम हमारी अच्छे से अच्छे बनती जा रही है. और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो कि मैं भूल गई, जब आप कोलैबोरेट करते हैं और आप स्मॉल बिजनेस हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने से थोड़े से छोटे या अपकमिंग लोगों के साथ कोलैबोरेशन करें. उसके पीछे रीज़न ये है कि वो उनमें भी थोड़ी सी एक अर्ज होगी टू यू नो वर्क मोर. क्योंकि जब जायंट के साथ आपने कर लिया, जैसे अगर इफ आई टॉक अबाउट फूड पांडा, अगर मैं फूड पांडा को कहती हूँ कि चलो यार मेरे पास भी नेटवर्क है लेट्स कोलैबोरेट, तो आई विल बी वेरी स्मॉल. उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे वुड नॉट नीड माय थिंग यू नो. तो वो कोलैबोरेशन किसके साथ कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कि आपका बिजनेस पर्पस सेम होना चाहिए तो वो जब टेक ओवर कर लेगा आपका आइडिया. अगर आपने उनके साथ किया भी कोलैबोरेट फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल दे वुड स्टे विथ यू एंड देन वंस दे अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट योर फिलॉसफी यू आर आउट. तो कोशिश ये करें कि ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करें कि जहां आपकी अपनी जो पहचान है वो मेंटेन रहे. सो दैट्स फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. सर, इफ यू मे हैव एनी क्वेश्चंस और कंक्लूडिंग रिमार्क्स. Noreen, it was a wonderful. Actually, this forum primarily is for the youngsters and the upcoming startups and the other students. We'll have great discussion on strategic as well as the cooperation and networking and all that will come later. As I said, you have made the mistake of joining us, so you will have to pay it through.
lot of effort. So you will be with us for quite some time. We'll be making sure of it, sir. Because you are presently, you have to obviously operate at intercity level also. So we are there as a bridge to you to come out of that place and go back to Karachi also in the same channels, right? That's absolutely so wow. While sitting at Rawalpindi, you can reach Karachi also. We are networking now because we are actually going to expand countrywide. We have already expanded countrywide because 24 of our teams are almost from every nook and corner of Pakistan. So welcome on board and thank you very much. It was very informative. And I'm sure there will be a lot of other questions because I missed out about 15-20 minutes of yours. I'll go through the recording and then I'll come back. Thank you. Oh, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Anything you would like to? Yes, I would sum up your session for the participants. मुझे जो चीजें समझ में आई हैं वो दो चीजें समझ में आई हैं कि number one, every chaos is an opportunity. Yes. You just need to be present enough कि आप उस chaos से फायदा ले सको. Secondly, 1+1=11. Yes. They absolutely. Could be equal to 11. So that's what collaboration and networking is about. Yeah. Naureen, thank you so very much for being with us. It was a pleasure listening to you after a long time or a very well-crafted session. And in, like General Saab said, we'll inshallah keep you engaged. And now you have, since you have made the mistake, so we'll make sure that you pay for it. ऐसी खूबसूरत गलती मैं हर बार करना चाहूंगी और हम हर बार आपको ऐसी गलती करने का मौका देंगे. Thank you so much, Naureen. Thank you very much. Have a great day. This was the last session of the day. So thank you, everyone. Bye-bye. Allah Hafiz. Signing out.